स्वामी जी, तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए हैं? 2 दिन हुए हैं। पति और पत्नी पहले 3 रात अपने घर में साथ सोते हैं तो ब्रह्मघाट पड़ जाती है। जब आत्मा एक शरीर में 3 दिन तक सोती है तो ब्रह्मरंध्रम से प्राण निकल जाते हैं। तो सोहिनी मुझे नहीं मिलेगी क्या? अगर वापस चाहिए तो आज की रात किसी भी हाल में उसे सोने नहीं देना। अगर उसे सोने नहीं देना है तो जिस घर में वो रही है वहां श्री चक्र पूजा करनी होगी। नमस्ते स्वामी। नमस्कार जी। आइए। अंतिम बार तुम्हारी पत्नी ने जो कपड़े पहने थे वे ले आओ। श्री चक्राय नमः। चक्र देव्ये गंथम परिगथम यामि। बेटी अरुंधति, अपने पति से जो तूने वादा किया था उसे पूरा करने का समय आ गया है, उसे पूरा करो बेटी। अरुंधति, मैं हूं वेंकटाचार्य। आपके वंश से जुड़े उस भगवान की स्थापना की जिम्मेदारी को मेरे पिता ने मुझे सौंपी थी। मूर्ति स्थापना के रुके हुए कार्य को पूरा करने हेतु मैं अपने प्राण हाथ में लेकर प्रतीक्षा कर रहा हूं। पता है क्यों? उस वीर नरसिम्हा ठाकुर जी के पराक्रम को मैं जानता हूं। उस पुनीत कार्य को पूरा करने हेतु आप यहां आई हैं। जब मैंने ये सुना तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हुई। परंतु वो देव कार्य है, इसीलिए पराये शरीर में बसी आपकी ये आत्मा स्वयं उस कार्य को संपन्न करना चाहती है, ये उचित नहीं। मेरे पति वीर नरसिम्हा ठाकुर के वंश में जन्मे चंदन ठाकुर से ही इस कार्य को संपन्न करवाइए। सारी तैयारियां कीजिए। ओम चक्रदेविये नमः। ओम श्री चक्राय नमः। ये लो नरसिम्हा ठाकुर की तलवार। जब तक उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं करोगे तुम्हारे जीजा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अगर किसी वजह से वो तुमसे बच भी गई तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। वो जिस कार्य को करना चाहती उससे पहले हम उसे मार डालेंगे। इसे मारने के लिए हम लोग इसके पास जा रहे हैं, ये तो हमारी ओर आ रही है। ये चलो चलो छुप जाओ। चलो चलो।
ऐ! ऐ, इसे घेर लो। नहीं, समाधि के पास कैसे? ये समाधि सोने की जगह है क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे जाने दीजिए प्लीज। बहुत डर लग रहा है तुम्हें? ये लीजिए, पकड़िए इसे। ये श्री चक्र हमारे गुरुकुल की गुरु राशि है। ये बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारे पूर्वजों ने लिया था, इसे रक्षा कवच के रूप में लिया होगा। इस रक्षा कवच को जिस जगह पर होना चाहिए था उस जगह पर नहीं है, ये भी एक कारण है। इसे ले जाकर यथास्थान पर रख दो। मेरे जीजा को इन्हीं हाथों से मारा था ना? छोड़ो मुझे। हट। लेकिन ये आत्मा हमेशा उस दैव कार्य को पूरा करने के लिए वो तुम्हारी पत्नी के शरीर में कभी भी घुसने की कोशिश करती रहेगी। इस वंश में जन्मे हुए तुम अगर उस दैव कार्य को पूरा करोगे तो इस आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, तब तक किसी भी हालात में ये आत्मा बाहर नहीं आनी चाहिए। जी स्वामी जी। इसे संभाल कर ले जाकर नागपेंचल माता की समाधि से 3 कदम दूर पृथ्वी में गाड़ देना। उसके बाद बिना पीछे मुड़े चले आना। अगर आपसे कोई भूल होती है तो बाहर आई आत्मा को मैं किसी भी तरह रोक नहीं पाऊंगा। स्वयं साक्षात श्री चक्र स्वरूपनी माँ भी तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर पाएंगी। संभल कर। जी स्वामी जी। विजय भवा। तलवार या लाठी उठाने की इजाजत नहीं, लेकिन आज तुम्हें शिव की शक्ति बनकर अपनी ताकत दिखानी होगी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मारो, मुझ पर। ये वीर नरसिम्हा ठाकुर का लिया हुआ संकल्प है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये होकर ही रहेगा।